अम्मी एक मिनट रुके हो। सारे रास्ते सोचता रहा कि आपसे बात करूंगा, लेकिन अजमिया की वजह से चुप रहा। हाँ बेटा कहो, क्या कहना है? ये ठीक नहीं हो रहा है अम्मी। मैंने सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त किया, वरना मैं तो उसका दिमाग उसी वक्त ठीक कर देता। पागल है वो, दिमाग खराब है उसका। मैं जा रहा हूँ खालू से बात करने, मैं अजमे की शादी उससे बिल्कुल नहीं करूँ। छोड़ो ना बेटा, जाने दो। फरदीन के मिजाज से तो तुम वाकिफ हो ना। मिजाज? अम्मी ये कोई बात नहीं होती। अजमिया हमारे ऊपर बोझ नहीं है, अब जो होगा ना वो देखा जाएगा। लेकिन हसन आप ये भी तो देखें ना कि अजमिया की भी तो गलती थी। गलत बात नहीं करो, अजमिया की कोई गलती नहीं थी। मैं जा रहा हूँ खालू से बात। अरे रुको हसन, बेटा रुको इसको। हसन आपको जोश में आने की जरूरत नहीं है। वो इस तरह से ट्रीट करेगा अजमिया को? नहीं करेगा ना इस तरह से ट्रीट। He really loves her, क्यों करेगा ऐसे? हाँ ना बेटा, और फिर कोई भी परफेक्ट नहीं होता। फरदीन की इस कमजोरी का तो हमें शुरू से पता था। अच्छा, मेरा दिल नहीं मानना। हसन मेरी बात तो सुने आप। फरदीन, फरदीन, तुमसे बात कर रही हूं मैं, कहां जा रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? हाँ क्या हो गया था तुम्हें वहां पर? इस तरह सबके सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया तुमने। I swear, अब कितनी तरफदारी कर रही हूं उसकी? मैं तरफदारी कर रही हूं। देख लिया नतीजा आपने? आप ही ने सर चढ़ाया। वैसे आप डैड को कुछ मत कह, मैंने बिल्कुल ठीक किया। वो कुछ ज्यादा ही आसमान पर चढ़ी थी। She deserved it. वाह वाह बेटा वाह, सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सुन लिया। अच्छा नहीं किया तुमने। इस तरह एक लड़की की सबके सामने बेइज्जती करके तुमने बहुत ज्यादती की है उसके साथ। और उससे जो मेरी बेइज्जती की थी सबके सामने, वो तुमसे जितना तमीज से बात कर रहा हूं, तुम उतनी मुझसे बदतमीजी करेगा। नहीं रह सकती तुम वहां, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो मेरे को बोलो, मैं बता देता हूं उसको। तुम्हें पता है मैं कितने आराम से इस सारी बात से मुकर सकता हूं? तुम्हें अंदाजा भी है अजमिया मुआशरा तलाक याफ्ता औरतों के साथ कैसा कैसा सलूक करता है? तरह तरह की बातें बनती हैं, तरह तरह के सवाल उठते हैं। किस किस का जवाब दोगी? किस किस का मुंह बंद कराएंगे हम?